स्टूडेंट तो आज वीडियो रे हमें कोन देखियो हाइपरबोलिक फंक्शन रा पार्ट 2 देखिबा तो पार्ट 1 वीडियो रे हमें इंट्रोडक्शन देखतिलु कोन कोन थिला हाइपरबोलिक फंक्शन कोन केते टाइप्स रो हाइपरबोलिक फंक्शन अछि हाइपरबोलिक फंक्शन केमिति नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रो डिफरेंस अछि तो जहां जहां बेसिक कांसेप्ट थिला डोमेन थिला रेंज थिला तो ता बिषय रे कंप्लीट डिटेल्स हम एनालिसिस कर सकथिलु फर्स्ट क्लास रे किबा लेक्चर 1 रे हला आज हम पार्ट 2 रे डिस्कशन करबा डेरिवेटिव ऑफ तमरो कोन हाइपरबोलिक फंक्शन तापर हम जिबा इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन तापर किछि जिंस पढियो हम लिमिट्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन तो ए सब छोटो छोटो जिंस अछि बुझबा टोटल हाइपरबोलिक फंक्शन विषय रेला तो चलो स्टूडेंट देरी न कोन वीडियो को स्टार्ट करबा तो देखो स्टूडेंट एबे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन रे कोन अछि हमर sin डेरिवेटिव ऑफ sin x तो कोन होइला cos हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ sin हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x तो माइनस cosec स्क्वायर हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ sec हाइपरबोलिक x कोन होचे माइनस tan हाइपरबोलिक x * sec हाइपरबोलिक x डेरिवेटिव ऑफ cosec हाइपरबोलिक x तो केते माइनस cosec हाइपरबोलिक x * cot हाइपरबोलिक x हला तो 1 बाय 1 हम सब क्वेश्चन को प्रूफ करबा तागर देखो स्टूडेंट जति सब हाइपरबोलिक फंक्शन अछि तार वैल्यू लिखि दै छी काई प्रूफ करला बले हमर सेबडा सब दरकार पड़ियो बुझ परला जेमे sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x cot हाइपरबोलिक x sec हाइपरबोलिक x आउ cosec त सबर फार्मूला लिखि दै छी चलो हम 1 बाय 1 गोटोटे करके प्रूफ स्टार्ट करबा हला तो देखो स्टूडेंट 1 बाय 1 गोटोटे करके प्रूफ करबा तो फर्स्ट दै छी कोन हमरा d बाय dx ऑफ sin हाइपरबोलिक x तो केते दै स्टूडेंट cos हाइपरबोलिक x बुझलो स्टूडेंट एटा प्रूफ करियर अछि हमको तो चलो स्टूडेंट प्रूफ तो केमिति करबा देखो स्टूडेंट बहुत इजी अब वी नो लिख दो वी नो ए मते को स्टूडेंट sin हाइपरबोलिक x केते sin हाइपरबोलिक x रो वैल्यू केते दै छी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2 केते दै छी स्टूडेंट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2 केते e to the power x minus e to the power minus x by 2 बुझ परला तो एको डेरिवेटिव करबा तो d by dx of e to the power x minus e to the power x minus x by 2 बुझ परला स्टूडेंट तो गोटे काम कर by 2 टा को बाहर कर दियो by 2 को बाहर कर देली d by dx of e to the power x minus e to the power minus x बुझ परला तो 1 by 2 को 1 by 2 तो देखो स्टूडेंट एबे सिंपली तो डेरिवेटिव फार्मूला यूज कर रहछि आमे जानै छौ e to the power x रो डेरिवेटिव केते e to the power x minus e to the power minus x derivative minus e to the power minus x kete minus minus plus to minus e to the power minus x to finally kete hai student e to the power x plus e to the power minus x by 2 to dekho student kete bhala e to the power x plus e to the power minus x by 2 ya koi student dhyan se dekhibo cos the same us tumaro cos hyperbolic x to tumhe kon likh pariya student cos hyperbolic x to bujh parlo to sin hyperbolic x ra cos hyperbolic x kara gela proof hai gela hala to note down kar de student चलो नेक्स्ट एंती गोटे गोटे करी प्रूफ कर दवा दल तो आराम से डेरिवेटिव पूरा क्लियर हो जइबो बुझ पलो स्टूडेंट नेक्स्ट असो नेक्स्ट दिस केते स्टूडेंट तो फर्स्ट तो हमर कंप्लीट हे गला sin हाइपरबोलिक x रो केते cos हाइपरबोलिक x एबे देखिबा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x त केते अछि sin हाइपरबोलिक x तो देखो स्टूडेंट एठी डेरिवेटिव रो cos रे केते sin हाइपरबोलिक x नॉर्मल ले कोन थाय cos रो डेरिवेटिव माइनस साइन तो एठी माइनस नाही ठीक ध्यान से रखियो हला तो चलो प्रूफ करबा को तो कोन दिछि स्टूडेंट cos हाइपरबोलिक x तो cos हाइपरबोलिक x केते स्टूडेंट एठी देखि दियो ए लिखि दिछि वैल्यू e to the x plus e to the x minus x by 2 हला वैल्यू एथि बाय लिखि दिछि त हम बुझवारे इजी होबो हला तो e to the power x plus e to the power minus x by 2 तो चलो अब हम कहां को डेरिवेटिव करियार छि d by dx ऑफ e to the power x plus e to the power minus x by 2 ठीक अछि तो by 2 कांस्टेंट तो 1 by 2 को कांस्टेंट नै लेली d by dx ऑफ e to the power x plus e to the power minus x ठीक अछि तो 1 by 2 तो देखो दोस्तों अब सिंपली से डेरिवेटिव करियार छि e to the power x रो डेरिवेटिव हम जान छि केते e to the power x plus e to the power minus x रो डेरिवेटिव minus e to the power minus x केते minus e to the power minus x तो 1 by 2 को 1 by 2 लिखली e to the x को e to the x प्लस माइनस तो कहते हो माइनस e to the power minus x बुझ पालो स्टूडेंट तो फाइनली कहते हैं वाला मुझे देखो सजे के लिखी भी e to the power x minus e to the power minus x by 2 तो ये क्लियरली देखा हो कहते हैं sin hyperbolic x बुझ पालो स्टूडेंट देख दियो टेबल उठा कहते हैं sin hyperbolic x क्लियर
तो सेकंड प्रूफ टाइप अमर कोन हेलो स्टूडेंट कंप्लीट हेलो हैला तो वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर चलो स्टूडेंट आराम से तुम बुझे हो सब बुझलो स्टूडेंट तो दीटा प्रूफ अमर कंप्लीट हे गेला चलो स्टूडेंट थर्ड प्रूफ को जीवा थर्ड प्रूफ रे कोन देची डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x = sec x स्क्वायर हाइपरबोलिक x चलो चलो प्रूफ करबा तो थर्ड प्रूफ कोन देची d / dx ऑफ tan हाइपरबोलिक x बुझलो स्टूडेंट d / dx ऑफ tan हाइपरबोलिक x तो केते sec x स्क्वायर x मींस sec x स्क्वायर x हाइपरबोलिक x ता को भी प्रूफ करबा चलो प्रूफ तमे नै जियो हमर क्वेश्चन कोन अछि tan हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x रो वैल्यू केते एडी दिया है जी सेतु देखो तो वैल्यू को आगु लिखि देली कि तुम बुझियार बहुत इजी रहबो हला तो e टू द x - e टू द - x लिखि दउ छी e टू द पर x - e टू द पर - x / e टू द पर x + e टू द पर - x ठीक है स्टूडेंट तो tan रे कोन था ऊपर माइनस था तळे प्लस था cot रे कोन यार उल्टा था हला तो बे ए फंक्शन में डेरिवेटिव करबा तो केते हम देखि देबा d / dx ऑफ e टू द x - e टू द - x e to the x plus e to the power minus x ठीक अछि तो ये क्लियरली देखाउ छी एटी कोन करया पड़ो हम स्टूडेंट एडी हम डिवाइड फार्मूला पकाय पड़ो को फार्मूला डिवाइड फार्मूला तो पकाउ डिवाइड फार्मूला e to the x plus e to the power minus x रोस को यार ऊपर e to the x plus e to the power minus x डिवाइड फार्मूला प्लस रे पढाय दिला e to the x minus e to the power minus x minus e to the x minus e to the power minus x into डेरिवेटिव ऑफ e to the x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बुझ पाल से देख स्टूडेंट लिखे दूसरी बुझला इजी हम चलो तो कैसे कुछ लिखीद ई टू द्वार एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स रस वेयर एटा रहला ई टू द्वार एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स এটা কি তো স্টুডেন্ট দেখি দিও ডেরিভেটিভ e টু দি পাওয়ার x স্কয়ার e টু দি পাওয়ার x দেখো e টু দি পাওয়ার -x এর ডেরিভেটিভ তো -e টু দি পাওয়ার -x তো এই মাইনাসটা কোন হইছো প্লাস e টু দি পাওয়ার -x - e টু দি পাওয়ার x - e টু দি পাওয়ার -x এখানে দেখো e টু দি পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ e টু দি পাওয়ার x প্লাস আছে e টু দি পাওয়ার -x এর ডেরিভেটিভ -e টু দি পাওয়ার -x তো প্লাসটা কোন হইছো মাইনাস হইছো বুঝ পারো স্টুডেন্ট তো ফাইনালি তুমি এটা লিখ পড়ো এটা দেখো স্টুডেন্ট e টু দি x इडजर एक्स प्लस इडजर माइनस एक्स इडजर एक्स प्लस इडजर माइनस एक्स ताले मु कोई तरी कौन इडजर एक्स प्लस इडजर माइनस एक्स रा होल स्क्वायर आराम से कोई होगा माइनस इतनी भी देखो स्टूडेंट इडजर एक्स माइनस इडजर माइनस एक्स इडजर एक्स माइनस इडजर माइनस एक्स तो तारों होल स्क्वायर तो कौन लिख पड़ेगा इडजर एक्स माइनस इडजर माइनस एक्स रा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जहां उसी लिख दियो इडजर एक्स प्लस इडजर माइनस एक्स रा स्क्वायर ना चलो अब क्वेश्चन के सिंपलीफाई करियो देखो स्टूडेंट नोट ऊपर लिखे दो छी एडा भी लिखे दो छी की दरकार नै तो देखो स्टूडेंट केते इजी अछि किछ नै खाली कांसेप्ट क्लियर करो आराम से सब हो जइबो हला किछ मैथमेटिक्स किछ टफ नै हला तो चलो एडा खोल देबा तो a + b रो होल स्क्वायर फार्मूला तो a + b रो होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर बुझ पालो स्टूडेंट e टू द x रो होल स्क्वायर होछि e टू द 2x a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बुझ पाला स्टूडेंट माइनस एडा भी सेंट a माइनस b रो होल स्क्वायर फार्मूला पडिबो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बुझ पाला स्टूडेंट देखाउ स्टूडेंट से चेक कर देबा तेरी टिक्के विजिबल होनी स्टूडेंट तो ठीक है सो मैं आउटर तक लिख दूंगी और तले जाए जो लिख दिया e to the power x plus e to the power minus x रो होल स्क्वायर चलो स्टूडेंट देखो इधर जनती ची देखो e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus तो ठीक है देखो स्टूडेंट e to the power x e to the power minus x कौन है जो कैंसल ही जो तो खाली कौन रहेगा only 2 minus e to the power 2x e to the power minus 2x रही ना एठी भी कोन e to the x minus x कैंसिल हेगला तो ओनली केत रहला minus 2 होल डिवाइडेड बाय e to the x plus e to the power minus x रो होल स्क्वायर बुझ पालो स्टूडेंट e to the minus x रो होल स्क्वायर बुझ पालो चलो तब एको खोल देबा
देखियो स्टूडेंट कौन कर एक्सपांड कर दीजिए।
आउ माइनस मझे माइनस रहा ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दीजिए तुम जान इधर एक्स इधर माइनस एक्स कैनसल इधर एक्स इधर माइनस एक्स कैनसल तो रहा कितने स्टूडेंट देखीद बचला तो देख आई होप तुम आराम से सब बुझी पार निश्चय किसी असुविधा नहीं स्टूडेंट देख समस्त रिक्वेस्ट करी कि समस्त को कौन कर स्टूडेंट सब सांग इनफर्म कर जहाद्वारा कि कौन एक क्लास फायदा उठे पारे कहीं देख बहुत जन अच्छे पाठ पढ़ा पढ़ी बहुत असुविधा होती कहीं सिचुएशन तो जापार ना कोचिंग खोला अच्छे ना ट्यूशन खोला अच्छे ना कलेज भी ठीक से क्लासेस से समस्त को इनफर्म कर जो आराम से घर बस सब कोर्स कंप्लीट कर पारे बुझे स्टूडेंट आउ मेन रीजन हूँ यहाँ कि बहुत शस्तार कोर्स कंप्लीट कर पारे जमी अलग जगह गले हजार हजार टाइम तुम खर्च करा पड़ो चलो स्टूडेंट देखिए आगे हाँ कौन रहा तो रहा इधर एक्स जहाँ रहा लिखीद प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स एटा के माइनस टू ब्राकेट ओपन करदे तो माइनस ई टू द पावर टू एक्स माइनस ई टू द माइनस टू एक्स ये प्लस माइनस के माइनस टू होल डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द माइनस एक्स रो होल स्क्वायर तो क्लियरली देख पार तो ई टू द टू एक्स प्लस ई टू द टू एक्स माइनस तो ये बाबू कैंसल माइनस टू छाड़ दि फोर को लिख पारि टू इंटु टू इधर एक्स माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख पार फायदा कौन है ध्यान से देख टू बैक्स माइनस एक्स तो कौटा स्टूडेंट देख टू बै तो ये कौन कोसेक हाइपर बोलिक एक्स टू बैक्स माइनस इडर माइनस एक्स तो कोसेक हाइपर बोलिक एक्स एटा भी तुम कोसेक हाइपर बोलिक एक्स तो फाइनल माइनस d by dx of number 5 देखिबा sec hyperbolic x तो हमर फार्मूला कोन स्टूडेंट sec hyperbolic x रो माइनस tan hyperbolic x into sec hyperbolic x तो चलो तेटा को हमको प्रूफ करया छ चलो स्टूडेंट स्टार्ट कर दवा तो प्रूफ नंबर कोन छ sec hyperbolic x तो sec hyperbolic x रो जो लिखा है छ 2 by e to the power x plus e to the power minus x तो लिखा है छ वेदर डेरिवेटिव कर यार छी d by dx ऑफ 2 by e टू द x प्लस e टू द पावर माइनस x ठीक अछि तो देखो फ्रेंड 2 तो कांस्टेंट तो 2 को कांस्टेंट को बाहर कर दियो 2 कांस्टेंट को बाहर कर देली तो d by dx ऑफ 1 by e टू द x प्लस e टू द पावर माइनस x ठीक अछि स्टूडेंट तो 2 को 2 रहला 2 को 2 रहला हां एडी कोन करिया स्टूडेंट डिवाइड फार्मूला यूज करबा तो क्लियरली देखो मैं डिवाइड फार्मूला यूज करू छी अब इधर माइनस एक्स रहा माइनस इधर माइनस एक्स तो प्लस टाइप के तो ये जो माइनस ही जो डिवाइडेड बाय इधर एक्स प्लस इधर माइनस एक्स रहा होल स्क्वायर तो फाइनली कहते हो जी टू को टू देखो स्टैंड जीरो इनटू एनीथिंग तो ये टाइम उनका पूरा जीरो है गला ये टाइम कौन है गला पूरा जीरो है गला खल पहुंचना ना ये टाइम उनका तो माइनस वन तो कहते हो स्टैंड माइनस इधर एक्स माइनस इधर माइनस एक्स इतनी रही ला ठीक है स्टैंड तो डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x रो होल स्क्वायर एबे तक ठीक भल से सजाई के लिखवा ठीक के ध्यान से देखला तो कौन सी माइनस को बाहर ही छाडू छी
टू बाई देखो स्टूडेंट कमी लिखा हो आरेंज कम माइनस को बाहर छाड़ी ये अच्छे लिखी दियो हाइपरबोलिक फंक्शन आराम से चुटकी रही जो बुझा तो चलो स्टार्ट करिवा तो प्रूफ तो कौन रहले हम कहा प्रूफ करियर छी कोसेक हाइपरबोलिक एक्स तो फाइल देखि देबा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स केते 2 × e^x - e^x तो ये होचा हमरा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स याको भी डेरिवेटिव करिवा त हम केति मिलिवा दरकार चलो करिवा तो d/dx ऑफ देखो स्टूडेंट 2 कांस्टेंट होता बाहर कर देली 1 × e^x - e^x ठीक अछि तो 2 को 2 रहिला तेडि कोन पकेबे बे डिवाइड फार्मूला तो लेखो डिवाइड फार्मूला e^x - e^x र होल स्क्वायर ऊपर e^x - e^x d/dx ऑफ 1 - 1 d/dx ऑफ e^x - e^x बुझ पल्लो चलो तो 2 को 2 रहिला e^x - e^x तो फाइनली केते हो छी ये तो 0 हो गेला हटाओ तो 2 × -1 तो -2 e^x + e^x डिवाइडेड बाय e^x - e^x रो होल स्क्वायर ठीक अछि स्टूडेंट एबे हमर आंसर त आसी नै हमर आंसर हो छी केति की तो ताव केमदी चेंज करबा तो देखो आंसर त आपु ठीक अरेंज करबा तो माइनस को लिखि देली अति सुंदर भाबे फर्स्ट कोन छी e^x + e^x तो लेखो e^x + e^x डिवाइडेड बाय e^x - e^x कोन अछि लो स्क्वायर अछि त हम 2 टाइम्स लिख परि इनटू जो गोटे तोरा 2 बचि गेला तो 2 × e^x - e^x बुझ पलो स्टूडेंट एते अरेंज करिक लिखु छला तो एबे काहे कि लिखले एबे एटा टिके देखो ध्यान से कोन अछि e^x + e^x तो याबे देखा होस त कोट हाइपरबोलिक एक्स पले देखा होछि तो या जगह लिख दियो cot hyperbolic x अब एटा केते स्टूडेंट 2 बाय लिख दियो स्टूडेंट या बडे देखाउ छी 2 बाय e^x e^x त जगह हम लिख पर cosec x तो लिख दियो cosec hyperbolic x त को सजे के लिख ले माइनस cosec hyperbolic x * cot hyperbolic x तो हेगला हमरो प्रूफ हला लिख दियो स्टूडेंट नोट डाउन कर दियो
तो चलो स्टूडेंट आम फर्मुला तो सब प्रूफ होगा प्रूफ करदे किसी एक्जामपल्स कर डेरिवेटिव कमी हो देखा किसी किसी छोटे एक्जामपल देखा जहाद्वारा कि तुम फर्मुला भी तो प्रूफ होगा तुम क्वेश्चन भी हो बुझल स्टूडेंट तो वीडियो तुम टोटल फर्मुला भी पाइल प्लस डेरिवेटिव किसी किसी एक्जामपल भी पाइज है बुझल स्टूडेंट तो चलो स्टार्ट करदे क्वेश्चन देखिए कट हाइपरबोलिक एक्स तो लेट y डेरिवेटिव e to the power cot hyperbolic x तो कौन लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x जहां आगे लिखुले सही है तो dy by dx is equal to dy by dx of e to the power cot hyperbolic x तो कहते हो स्टूडेंट देख दियो e to the power डेरिवेटिव e to the x तो cot hyperbolic x into dy dx of cot hyperbolic x कुछ बोलो स्टूडेंट तो e to the power cot hyperbolic x cot hyperbolic x रो फॉर्मूला देखो स्टूडेंट cot hyperbolic x रो माइनस cosec h स्क्वायर x तो फाइनली माइनस cosec h स्क्वायर x into e to the power cot hyperbolic x तो ये रहा तुम्हारा आंसर dy by dx व्हिच वन स्टूडेंट चलो नेक्स्ट आवड क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to sin h square x और तुम्हें कही पार y is equal to sin hyperbolic x रो होल स्क्वायर कुछ बोला sin hyperbolic x रो होल स्क्वायर तो चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हला एटा उठा लिखि दोची बार बार तुम निजे लिखियो हला डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x अपन रखियो dy by dx is equal to देखो स्टूडेंट तो फर्स्ट एडी कोन पडियो n फार्मूला तो हम n फार्मूला जानछु 2 sin hyperbolic x रो 2 minus 1 into d by dx of sin hyperbolic x तो 2 sin hyperbolic x 2 minus 1 तो 1 sin hyperbolic x रो cos hyperbolic x तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic x तो sin hyperbolic 2x बोली हमें कोई परिवर्तन जैसे sin 2 theta का फॉर्मूला है कुछ बोला तो नोट डाउन कर दो स्टूडेंट तो dy by dx is equal to तेरी कौन पढ़ी हो product rule तो product rule ले जाने चाहिए एक मुझे first बोली नो ची ये कुमो second बोली नो ची तो rule इस अवरे कौन first derivative of second plus second derivative of first कुछ पहला तो dy by dx तो left side है as it is रहा ला tan x tan hyperbolic x तो tan hyperbolic x sec square hyperbolic x sec hyperbolic x plus tan hyperbolic x और tan x का डेरिवेटिव तो आप समझते जाने चाहो sec square ये लगा हमारा आंसर कुछ करो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आउट कर लिया तो कौन देख चुके हैं देखिए फर्स्ट एक लिख भेज दूँ ची जगह बनने वाले देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 y is equal to x cube into 10 x square root x समथिंग इज इक्वेशन देखिए व्हिच वाला 10 x स्क्वायर तो इट इज इनटू फार्मूला तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx is equal to dy dx of x cube into 10 x square root x तो इनटू फॉर्मूला पकाएगा ये फर्स्ट ये हो चाहे हमारा सेकंड
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो फर्स्ट रूल हिसाब से लिखी दी है डेरिवेटिव करनी खाली रूल हिसाब से लिख दी चलो एक्स क्यूब चलो टेन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव तो फर्स्ट एडी कौन पड़ो एन फॉर्मूला पड़ो तो टू टेन एच रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक रूट एक्स प्लस टेन कौन रहा तुम एच सरी डी एच लिखा भूल टेन एच स्क्वायर रूट एक्स अब एक्स क्यू तो तुम्हें जान थ्री एक्स स्क्वायर नो डाउट एन फॉर्मूला है ना तो एक्स क्यू इंटू टू टेन हाइपरबोलिक रूट एक्स इंटू देखो टेन हाइपरबोलिक रूट एक्स कहते टेन डेरिवेटिव सेक तो कौन लिखा sec hyperbolic root x into d by dx of root x chain rule which one understand kon ke liye chain rule pakai hela to plus to kitna ho chuka plus eta as it is rahega 10 x square root x into 3 x square to chalo student eta uthe simplify kariba 2 x cube 10 hyperbolic root x into sec hyperbolic root x रूट एक्स नाम जानू वन बाय टू रूट एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर रूट एक्स इनटू थ्री एक्स स्क्वायर समझ पाला तो टोटल टर्म को तुम कहोगे ये स्टूडेंट टू ये टू कैंसल टोटल टर्म को जब मैं एक्स स्क्वायर टी को नहीं जाऊँ ची कॉमन तो रोज कितने एक्स स्क्वायर कॉमन है ले एक्स देखो स्टूडेंट कितने देखो एक्स टेन हाइपरबोलिक रूट एक्स इनटू सेक हाइपरबोलिक रूट एक्स y root x plus 10 x square root x into 3 which one is friend so 3 टाइम तुम बेटर होगा इडी आगे लिख दिया है ना 3 ये चाहे भी तुम ए टू x root x कैंसिल कर पेरे वो तो फाइनली x square तो ऊपर कितना हो जाए root x 10 hyperbolic root x into sec hyperbolic root x plus 3 10 h square root x which one is friend तो ये गला तुम्हारा final answer है ना तो note down कर दियो देखो friend video को pause करी note down कर दी पहले वो किच्छ असुविधा नहीं तो I hope तुम्हारा derivative most तरफ पर clear ही हो चुका किच्छ असुविधा नहीं अगर उठे question करिएगा तो derivative topic को end करिएगा है ना तो कौन दीजिए friend y is equal to number 5 question 4x plus देखिए cos hyperbolic x square 5x रो होल रूट ओवर इडा दीजिए क्वेश्चन हला इट्स नाइस सिंपल एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x और dy / dx इज इक्वल टू तो टोटल टोटल को x वाली कंस्ट्रक्ट करो तो रूट x का डेरिवेटिव 1 / 2 रूट x तो कौन हो फ्रेंड्स फाइंड 1 / 2 रूट x x मींस 4x cos x square 5x d / dx ऑफ 4x cos x square 5x which one so yeah as it is 1000 to sheet 2 root 4x plus cos x square 5x 4x derivative 4x so 1 cos x square so n formula 2 cos h 5x into cos of sin h 5x into dy dx of 5x चेन रूल पकड़ के खोल दी तो 1 बाय 2 रूट अंडर 4x प्लस cos h स्क्वायर 5x 4 को 4 रहेगा प्लस तो कितना स्टूडेंट देखो 2 cos हाइपरबोलिक 5x into sin हाइपरबोलिक 5x into 5x का डेरिवेटिव ओनली 5 तो उठी अरेंज करके लिखवा ऊपर जाच लिखो 4 प्लस ध्यान से देखो स्टूडेंट 2 sin थीटा इनटू cos थीटा तार फार्मूला sin 2 थीटा रो होला तो 4 प्लस तो 5 टा बची गला तो 5 sin 2 हाइपरबोलिक 5x इज इक्वल स्टूडेंट sin 2 हाइपरबोलिक sin 2 थीटा होला तो कहते स्टूडेंट हमरा sin 2 sin थीटा इनटू cos थीटा तो 5 को 5 रखली sin 2 थीटा होला तो sin हाइपरबोलिक 2 इनटू 10 तो कहते स्टूडेंट हमरा 10x कितने जो स्टूडेंट 10x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 4x
प्लस कॉस हाइपरबोलिक 5x बुझिपारो फ्रेंड तो कौन कल देख फ्रेंड टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कार फॉर्मूला साइन टू थीटा तो फाइव को एज इट इज फाइव रख देली साइन टू टू इंटू थीटा टू थीटा टू इंटू फाइव तो कैसे गला 10x बुझिपारला तो ये तुम हाइपरबोलिक फंक्शन डेरिवेटिव पार्ट आई होप तुम बढ़िया से इंटरेस्टिंग बुझी जदि किसी भी प्रॉब्लम रोचे ताले कमेंट करो आउ मु तुम कहि पिला मानको देखो वीडियो को जदि जोडे बुझि पालो नि आगो पछ फॉरवर्ड करी आउ थे लेखे देखो काहे कि किछ असुविधा नै बहुत सिंपल वे रे बुझाइ छी तुम आराम से बुझि पाबे बुझि पालो आई होप फ्रेंड तुम बुझि पाथु चलो नेक्स्ट वीडियो रे देखाबो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।